हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। गणेश मुझे स्टार्ट करता है, बीच खा लूँ। हाय, प्लीज सॉरी, लेकिन आवाज़ का कुछ तो इशू था। अभी आपको आवाज़ आ रही है क्या मेरी? प्लीज कमेंट। हाय तृप्ति मैम, तृप्ति मैम प्लीज बताओ कि आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? प्लीज कमेंट करो कि आवाज आ रही है करके। यस, ओके रुचि मैम, आवाज क्लियर आ रही है ना अभी मेरी? हाय दीप्ति मैम, प्लीज एक बार फिर से डन करो कि आवाज आ रहा है करके। ओके, यस यू आर ऑडिबल। ओके, थैंक यू तृप्ति मैम। तो चलो, आज मैं आई हूँ खाद्य खुराक न्यूज़ चैनल में। मैं अभी लाइव आई हूँ। थैंक यू सो मच मैम और सर कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं यहाँ पे लाइव आ पाऊँ। एक छोटी सी रेसिपी मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। तो मेरा नाम है विनीता मुरुडकर। मैं ठाणे में कुकिंग क्लासेस चलाती हूँ। गुरु केक्स एंड कुकिंग क्लासेस करके मेरा खुद का क्लास है और FB पे मेरा पेज है, उसका नाम है गुरु केक्स। गुरु केक्स करके FB पे मेरा पेज है जहाँ पे मैं रोज़ लाइव आके कुछ ना कुछ फ्री में लाइव सेशन देती हूँ, केक सिखाती हूँ और सारे सब कुकिंग क्लासेस के क्लासेस हम लेते हैं। वेज, चाइनीज़, पिज़्ज़ाज एंड ऑल सॉस, ग्रेवीज, आइसक्रीम्स, ऐसे बहुत सारे क्लासेस हम लाइव में लेते हैं। और ये क्लास ठाणे ईस्ट में है। मैं ठाणे में रहती हूँ, ठाणे ईस्ट कोपरी में। तो जिनको भी क्लास करना है वो मुझे 9702897300 पे कॉल कर सकते हो। तो आज हम लाइव है, हमारा सबका बहुत प्यारा पेज जहाँ पे रोज़ लाइव होता है। रोज़ कोई ना कोई मैम आके हमें एक बहुत सारी अच्छे वाले रेसिपी सिखाते हैं, सर लोग भी होते हैं। तो वही पेज पे मुझे अभी लाइव आने का अवसर मिला है, उसके लिए थैंक यू सो मच खाद्य खुराक पेज के लिए। और प्लीज़ यहाँ पे जो मेरे फॉलोवर्स आए हैं, प्लीज़ ये चैनल को आपको लाइक और फॉलो करना है। और प्लीज़ हो सके तो मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आज मैं आपको एक न्यू केक सिखाने वाली हूँ, एंटी ग्रेविटी मैगी केक। तो मैं मेरे पेज पे भी लाइव हूँ अभी गुरु केक्स। तो यहाँ पे एंटी ग्रेविटी मैगी केक मैं सिखाने वाली हूँ, बट आज का एंटी ग्रेविटी मैगी केक थोड़ा सा अलग रहने वाला है। तो आज मैं स्पून के साथ आपको ये केक बताने वाली हूँ। लेकिन उसके पहले अगर आपका वीडियो पॉज हो रहा है तो आपको फिर से बैक आना है और फिर से आपको वो करना है। ओके, अभी आवाज आ रही है सबको? वॉइस इज क्लियर? अनी मैम, वॉइस इज क्लियर? ओके, तो मैं यहाँ पे मेरा लाइव स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे एक बार कोई तो वहां से थम दे दो कि लाइव स्टार्ट करे करके। सबको आवाज वीडियो क्लियर है मेरा? हेलो सुनीता मैम, हेलो अर्जिता, हेलो तृप्ति, हेलो दीप्ति, हेलो भारती। ठीक है, हम स्टार्ट करें। थैंक यू निधि मैम, थोड़ा सा सपोर्ट करो क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत आ रही है, थोड़ा सा वाईफाई का नेट का प्रॉब्लम चालू है। ठीक है, तो पहले तो हम बनाएंगे प्रीमिक्स का केक। ठीक है, तो प्रीमिक्स के केक में भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं सब लोगों को कि प्रीमिक्स से हम केक बनाते हैं वो भी किसी का अच्छा नहीं होता। जितना वो अच्छा होना चाहिए, उसका डो जितना अच्छा होना चाहिए तो वो भी नहीं होता। बहुत सारे इशू आते हैं सब लोगों को। तो पहले तो हम यहाँ से प्रीमिक्स का केक कैसे बनाना है, उसको OTG में कैसे बेक करना है और आधा किलो के लिए कितना आपको लेना है प्रीमिक्स, वो अभी मैं यहाँ पे बताती हूँ। थैंक यू विपुल, थैंक यू मीनाक्षी। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया एक बाउल, वहाँ पे हम करने वाले वैनिला, मतलब हम वैनिला स्पॉन्ज आज बेक करने वाले। तो अगर आपको हाफ केजी की ऑर्डर आती है, समझो अगर आपका हाफ केजी की ऑर्डर आती है तो आपको पाव केजी का बेस जो होता है वो आपको बेक
करके लेना पड़ता है, तो उसके लिए आपको लगेगा 250 ml, मतलब ये 1 कप, ये 1 कप आपको लेना है प्रीमिक्स, वैनिला प्रीमिक्स। ओके, ये मैंने 1 कप ले लिया है, ये मैंने प्रीमिक्स लिया है, खुद का स्क्रैच मैंने नहीं लिया है। अर्जित मैम, आप प्रीमिक्स का भी केक बना सकते हो। देखो, अगर हम सेल करते हैं तो कभी कभी खुद का स्क्रैच भी हमें महंगा पड़ जाता है, लेकिन प्रीमिक्स हमें सस्ता पड़ता है। अगर आपको थोड़ा सा मार्जिन अगर ज़्यादा लेना है खुद के लिए, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप प्रीमिक्स यूज करो, लेकिन यही प्रीमिक्स आप घर में भी बना सकते हो, तो वो आपका जो मार्जिन है वो आपका हो जाएगा। बट स्क्रैच से आप अगर क्लास लेते हो तो स्क्रैच से आप उनको क्लास सिखा, अगर आप ऑर्डर लेते हो तो मैं बोलूँगी एक तो आप होममेड प्रीमिक्स बनाओ, नहीं तो मार्केट से प्रीमिक्स लाओ, तो ही हमें थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है मार्जिन, नहीं तो फिर हमें मार्जिन नहीं मिलता। बिकॉज हम होम बेकर है, हम कभी भी 1/2 kg का केक नहीं देते, हम कभी भी हमारे कस्टमर को 700 मतलब 700 ग्राम का केक हमारा जाता है, तो हमें खुद को भी मार्जिन चाहिए। तो आप प्रीमिक्स ले लो, प्रीमिक्स में ऐसा कुछ भी केमिकल नहीं होता है। मैं खुद प्रीमिक्स का क्लास लेती हूँ, जो ये बाहर का प्रीमिक्स लाते हैं वही क्लास में घर में सिखाती हूँ, तो उसमें हम कुछ केमिकल नहीं डालते, तो कुछ केमिकल नहीं आप खा सकते हो। तो ये मैंने लिया 1 कप, उसमें जाएगा ऑयल, जो ऑयल हम खाते हैं नॉर्मली खाने में, जो ऑयल हम खाते हैं वही ऑयल हमें लेना है। यहाँ पे घी या बटर का यूज़ नहीं करना है। अगर आप इसके अंदर इसके ऊपर आइसिंग कर रहे हैं तो आपको घी भी नहीं चलेगा और आपको बटर भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑयल डाल रही हूँ, ये टेबल स्पून है, 1 tablespoon का बराबर से मेजर है। वेलकम अर्जिता मैम, और किसी को कुछ सवाल पूछना होगा तो मुझे पूछो, मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे से उसका आंसर दे पाऊँ। तो यहाँ पे मैंने 1 tablespoon ऑयल डाला है, ठीक है, 1 tablespoon ऑयल आपको इनफ है ये स्पॉन्ज के लिए। जिनको प्रीमिक्स की रेसिपी चाहिए उनको क्लास करना पड़ेगा, यहाँ तो मैं अभी आपको बेस कैसा परफेक्ट बनाना है आपको प्रीमिक्स का वो मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने बॉटल लिया है, देखो यहाँ पे मैं आपके सामने पहले 1/2 cup पानी लेके रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता नहीं सकती कि यहाँ पे कितना पानी लगेगा। अगर आप एसी में काम करते हो तो आपको ज़्यादा पानी लगेगा, अगर आप जब गर्मी होती है तब हमें ज़्यादा पानी नहीं लगता है प्रीमिक्स में। तो अभी देखो मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ। प्रीमिक्स का एक है कि आप कौन से भी रोटेशन में उसको मिक्स करो तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप मैदे के साथ ये रेसिपी करते हो तो आपको एक ही रोटेशन में उसको मिक्स करना पड़ेगा। कप केक प्रीमिक्स से बनाते हैं मीनाक्षी मैम, कप केक जो होता है उस वो प्रीमिक्स से नहीं बनाते हैं, बट आप बना सकते हो, बट ऑर्डर के लिए आपको प्रीमिक्स से नहीं बनाना है, उसके लिए आपको खुद का वो कपकेक का एक रेसिपी होता है। कल ही मेरा ऑनलाइन लाइव कपकेक का क्लास है, उसका रेसिपी अलग होता है, ये मैं मेंशन करूँ, कपकेक का रेसिपी थोड़ा अलग रहता है। कल हमारा ऑनलाइन लाइव विद रिकॉर्डेड क्लास है, एक्सेस है 1 month और फीस है ओनली 499। अगर आपको कपकेक का क्लास करना है तो आप कल कर सकते हो, मुझे कॉल करो 9702897300। प्रीमिक्स का एक प्रॉब्लम नहीं है कि आप ऐसे भी घुमा ऐसा भी घुमा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको मैदे के साथ ये प्रॉब्लम हो जाता है कि आपको एक ही रोटेशन में उसको मिक्स करना होता है, और इसको आपको छानना भी नहीं है। ना मुझे नाम मत भूलिया, एड्रेस 79 आशा, ओके। यहाँ पे अभी कोई दिख नहीं रहा है कौन क्या कैसे कितना बड़ा है, ये तो हमारा काम है सबको मैम बोलने का। मैं भी एक होम बेकर ही हूँ और मैं क्लासेस भी चलाती हूँ 3 साल से। ये देखो इतना वो पतला होना चाहिए, ये देखो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे हार्ट इमोजी दे सकते हो या लाइक कर सकते हो। तो मैं बाकी का सब धीरे धीरे बताती हूँ। यहाँ पे मैंने 6 inch का टिन लिया है, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी बटर पेपर लगा के लिया, अभी इसको ऑयल से हमें ऑयल नहीं लगाना है, ना मैदा लगाना, ना कुछ करना है। इसके पहले हम क्या करेंगे,
OTG है वो प्री हिट करने के लिए रखे होंगे। OTG में आपको डिग्री करना है 180 डिग्री, फंक्शन रहेगा आपका बैक और 10 मिनट के लिए आपको ये सेट करना है। ओके टाइम, हाँ वो तो मैंने आपको बताया 6 इंच का टीन है, 180 डिग्री राइट, मेरा जल जाता है 180 डिग्री में केक मेरा जल जाता है, वही मैं अभी आपको सिखाने वाली हूँ कि आपका ऐसा क्यों होता है। इसीलिए मैंने फर्स्ट ये लाइव रखा है, बाद में हम केक के आइसिंग देखेंगे। देखो अभी आप अगर आप OTG में कर रहे हैं तो आपको डिग्री रखनी चाहिए 180 डिग्री, आप उसका फंक्शन रहेगा बेक, बेक पे ही आपको केक बेक करना है, फिर उसके बाद रहेगा कि आपको कितने मिनट के लिए उसको रखना है, उसको बोलते हैं टाइमर। तो आपको प्री हीट करना पड़ता है, प्री हीट मतलब आपको पहले उसको गर्म करना होता है। लेकिन अगर आपने 7, 7 या 10 मिनट से ज़्यादा अगर आपने OTG को प्री हीट किया या आपने कढ़ाई को प्री हीट किया तो आपका केक जब आप बनाने को डालोगे तो वो जल जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया पहले ही उसको ज़्यादा गर्म कर दिया। आपको 7 या 10 मिनट तक ही उसको प्री हीट करना है। देखो अभी मैंने इसको 10 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए रखा है। OTG में पूरा एक केक बनाने के लिए 25 मिनट लग जाते हैं, ओनली 25 मिनट। क्यों? क्योंकि उसके पहले ही हमने 10 मिनट उसको प्री हीट किया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, अगर आपने ज़्यादा प्री हीट किया तो जो आपने टाइम लगाया था 20 मिनट या 25 मिनट, उसके पहले ही आपका केक रेडी हो जाता है और वो जलना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको एक ध्यान में रखना चाहिए कि आपके OTG में कितने टाइम में केक बेक होता है, तो ये भी आपको देखना है। तो वहाँ पे हमारा हो रहा है गरम, तो ये जो बैटर है वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अगर आपको इसमें येल्लो कलर डालना है तो आप इसमें येल्लो जेल कलर या लिक्विड कलर भी डाल सकते हो। जी यहाँ पे मैंने प्रीमिक्स यूज़ किया है, बट ये मेरा होममेड प्रीमिक्स है जो जिसका मैं क्लास लेती हूँ प्रीमिक्स का, ये मेरा होममेड प्रीमिक्स है। ये स्क्रैच नहीं है, ये प्रीमिक्स है बट ये होममेड है, बाहर के जैसा ही इसका इफेक्ट और टेस्ट आता है। इसका भी हमारा क्लास चालू है और कल हमारा कपकेक का क्लास है। प्लीज़ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आपको अगर पसंद आता है और आपको लगता है कि और जनों ने ये देखना चाहिए, ये टिप्स और जनों को समझना चाहिए, तो प्लीज़ वीडियो शेयर करो। मैं थोड़ा सा हाथ क्लीन करके आती हूँ। मैम मैं मेरा नंबर ना थोड़ी देर बाद अब यहाँ पे पिंग करती हूँ, बिकॉज मेरा हाथ गीला है तो मैं यहाँ पे टाइप नहीं कर सकती हूँ। लेकिन आप एक काम करो, आप लिख के ले लो 9702897300। आप जहाँ भी कहीं हो ऑनलाइन लाइव घर में बैठ के वही सेम क्लास आप 1 या 2 महीना उसको बार बार देख सकते हो। ये मेरा हो रहा है, इसको मैं एक बार टैप करके लेती हूँ, ठीक है, तब तक ये प्री हीट हो रहा है। मैम प्रीमिक्स की फीस ओनली 499 है। पूर्वी मैम आपका सवाल कहाँ पे है? मैम मार्केट का रेडीमेड फॉन्डेंट कैसे यूज करें? मैम वो तो मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकती, अभी ये फॉन्डेंट का तो नहीं चल रहा है, सब मिक्स आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अभी आपको ये इसके बारे में अगर कुछ पूछना है तो मैम प्लीज यहाँ पे पूछो।
ठीक है 97 ओके ठीक है, मैंने यहाँ पे पिंग कर ली हूँ अभी, देखो वहाँ पे आएगा गुरु केक्स करके 9702897300 गुरु केक। ओके मैंने वहाँ पे नंबर पिंग किया है, देखो गुरु केक करके वहाँ से आप ले लो। इसे लगाया आपने, थोड़ा सा 17 में डाल लीजिए। केक जेल यूज़ करते हो क्या मैम? नहीं मैम मैं पिंग नहीं झाला का हो का ओके। जेल का भी रेसिपी हमारे नोट्स में अवेलेबल है, बट मैं मुझे ऐसा लगता है कि जेल ज़्यादा खाना अच्छा नहीं है, तो हम जेल ना यूज करके भी हम प्रीमिक्स सिखाते हैं। मेरे प्रीमिक्स में जेल मैं हमेशा नहीं यूज करती हूँ, मुझे जेल नहीं अच्छा लगता है। हो गया अभी? हाँ मैम हो गया, ठीक है आप वहाँ से ले लो। अभी 10 मिनट हो चुका है, ये मेरा था वैनिला प्रीमिक्स जो होममेड है, मैं ऐसे पॉकेट करके सेल करती हूँ, तो ये तो मैं अभी साइड में रखती हूँ। अभी मैं एक बार है ना आपको OTG भी दिखाती हूँ, थोड़ा सा कैमरा सेट करती हूँ और आपको OTG दिखाती हूँ। ओके आई थिंक सबको OTG दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे प्री हीट हो रहा है OTG, ठीक है ये देखो यहाँ पे टेम्परेचर 180 डिग्री, उसके बाद है फंक्शन बेक और यहाँ पे मैंने टाइमर लगाया था 10 मिनट का। ओके अभी मैं ये क्या कर रही हूँ, इसको मैंने ऊपर से बंद कर दिया है ताकि मुझे शॉक ना लगे, मुझे बहुत डर लगता है। थैंक यू सुरु मैम, इसमें मैं अभी डाल रही हूँ इसको सेंटर में, रख दिया मैंने बंद कर दिया और अभी हम टाइमिंग लगाएंगे 20 मिनट्स, बाकी ये बेक पे रहेगा और ये 180 डिग्री में ही रहेगा, ठीक है। ठीक है वो तो मैंने आपको दिखाई दिया। और प्रीमिक्स क्लास की फीस ओनली 499 है, ऑनलाइन लाइव क्लास है 1 मंथ, आप उसको बार बार देख सकते हो, ठीक है। उसमें मैंने बहुत सारे प्रीमिक्स के क्लास ये सिखाए हैं और स्पॉन्ज भी सिखाए, ओनली प्रीमिक्स नहीं सिखाया, उसे स्पॉन्ज कैसे बनाना है वो भी मैंने उसमें सिखाया। तो अभी हम स्टार्ट कर देते केक जिसके लिए हम लाइव यहाँ पे आए हैं, एंटी ग्रेविटी मैगी केक मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलो यही स्पॉन्ज से यही प्रीमिक्स है, मैंने ऑलरेडी इसको बेक करके रखा था, बिकॉज ये बेक होगा फिर वो ठंडा होगा तो 1 घंटा हमारा ऐसे ही चला जाएगा, तो यहाँ पे मैंने उसको ऑलरेडी बेक करके रखा था, उसको मैंने काट के रखा है। इसका आप जाली देखो, दिखाई दे रही आपको जाली, ये देखो बाहर के जैसे मार्केट जैसे ही जाली आ चुकी। हाय एकता मैम, प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सअप करो, वहाँ पे आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी तो हम फोकस करते हैं ये मैगी केक में, ठीक है। इसको सबको पता है, इसको बोलते हैं टर्निंग टेबल, मैं आपको सब टूल्स के थोड़ा थोड़ा नाम भी बताती हूँ, अभी मैं सिर्फ फोकस यहाँ पे कर रही हूँ, मेरे पे नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्रीम भी ऑलरेडी बीट करके रखा है, अगर आपने ज़्यादा क्रीम बीट की है तो इतना क्रीम लेके आपको काम नहीं करना, थोड़ा सा आपको साइड में निकालना है। जिसमें भी आप क्रीम निकालते हैं उसमें पानी नहीं चाहिए, ठीक है पानी हम नहीं रखेंगे, उसको क्लीन कर देंगे। ये देखो अच्छे से मैंने ऑलरेडी उसको बीट करके रखा है, आपको बेसिक टू एडवांस केक वर्कशॉप में बीट कैसे करना है ये भी आपको लाइव में हम सिखाते हैं, उसका भी मेरा लाइव क्लास हो चुका है बेसिक टू एडवांस केक वर्कशॉप का, रिकॉर्डेड क्लास आपको FB पे मिल जाएगा, ओनली 1000 उसकी फीस है, 1000 रुपया फीस है। उसमें भी मैंने 7 केक वहाँ पे मैंने लाइव सिखाए हैं,
आप वो भी क्लास लाइव ले सकते हो, बेसिक टू एडवांस केक वर्कशॉप। और कल हमारा कप केक का वर्कशॉप है, ओनली 499 फीस है। फिर उसके बाद हमारा टी टाइम और ट्रैवलिंग केक का भी ऑनलाइन लाइव वर्कशॉप है। थैंक यू। ओके देखो, मुझे जितना क्रीम चाहिए उतना मैं निकाल के ले रही हूँ ताकि ये मेल्ट ना हो। अभी मैं इतना ले रही हूँ, ये बाकी का मैं फिर से फ्रिज में रखती हूँ। तो फ्रिज से निकालने के बाद इसको डायरेक्टली यूज नहीं करना है आपको, पहले उसको स्पैचुला से एक बार फेंक के लेना है, मतलब मिक्स करके लेना है, मतलब वो सॉफ्ट हो जाए। अगर वो हार्ड हो गया होगा तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है मेरी क्रीम। यहाँ पे मैंने स्पॉन्ज रख दिया, यहाँ पे मैंने नॉर्मल वाटर लिया है, उससे मैं सोफ करूंगी। पहले तो हम कॉर्नर का जो रहता है वो थोड़ा सा हार्ड रहता है, तो हम पहले कॉर्नर सोप कर देंगे नॉर्मल वाटर से, फिर उसके बाद हम सेंटर का सोप कर देंगे। थोड़ा सा मेरा आवाज़ बैठा है, तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए, तो थोड़ा सा हेल्प कर दो। देखो, आपको स्पॉन्ज अच्छे से सोक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो जब आपका कस्टमर ये केक खाएगा तो उसको बहुत हार्ड लगेगा। तो ये सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। केक बनाने के बाद 3 घंटा आपको उसको सेट करना है, उसके बाद ही आपको आपके कस्टमर को देना है, उसके पहले आपको उसको नहीं देना है। तो ये मैंने सोक कर दिया अच्छे से। ओके, नहीं, एसी चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एसी क्यों लगाया, बिकॉज यहाँ पे मैंने ओटीजी चालू किया है और मैंने सब बंद कर दिया है, और बाहर बारिश भी गिर रही है, तो बहुत पूरा जो मेरा घर है वो पूरा गर्म हो चुका है, इसीलिए मैंने एसी लगाया। नहीं तो जब मैं एक या दो ये केक बनाती हूँ तो मैं एसी नहीं लगाती। तो यहाँ पे मैं क्रीम डाल रही हूँ। क्रीम आपको उतना ही डालना है जितना आपका स्पॉन्ज का लेयर है। ज़्यादा क्रीम डालोगे तो कस्टमर बोलेगा कि आपने उसको स्पॉन्ज कम और क्रीम खाने को दिया। सिर्फ आपको लेफ्ट राइट करके टर्निंग टेबल मूव करना है ताकि वो सभी के यहाँ स्प्रेड हो जाए। हम फिनिशिंग नहीं दे रहे, फिनिशिंग अभी हम देंगे। यहाँ पे मैंने पैलेट नाइफ पकड़ लिया, ये जो मेरा फिंगर है फर्स्ट वाला वो मैंने रख दिया इसके ऊपर। उसके बाद इसको रखना है सेंटर, ये है क्लोज, इसको आपको करना है ओपन एंड टर्न करना है आपका आपको टर्निंग टेबल। हाथ हिलाना नहीं है, ये देखो कितने अच्छे से फिनिशिंग आया, ये देखो। थैंक यू मैम। प्लीज़ सब लोग वीडियो शेयर करो, अगर आपको मेरा सिखाना पसंद आता है तो वीडियो शेयर करो। जो एक्स्ट्रा क्रीम है वो निकालना हमारा काम है, हमें कस्टमर को ज़्यादा क्रीम नहीं देनी है, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखो। कस्टमर होम बेकर से केक क्यों लेते हैं, क्योंकि वो क्रीम कम लगाती है और स्पॉन्ज वो ज़्यादा देती है। इसके ऊपर मैं डालने वाली हूँ पाइनएप्पल क्रश, ये है पाइनएप्पल क्रश, बड़ा वाला भी बॉटल है, मैंने भी छोटा वाला निकाला। आपको जो फ्लेवर चाहिए उसका क्रश या क्रश डाल के आप ओरिजिनल फ्रूट्स भी काट के चॉप करके डाल सकते हैं। इसमें ऑलरेडी पीसेस रहते हैं पाइनएप्पल के, ज़्यादा क्रश नहीं डालना है, नहीं तो वो ओवर स्वीट हो जाएगा और ओवर टेस्ट हो जाएगा, वो भी कस्टमर को पसंद नहीं आता है। पूरा कॉर्नर तक उसको स्प्रेड नहीं करना है, अगर ऐसा किया तो आपका टर्निंग टेबल और केक जल्दी ख़राब हो जाता है, फिनिशिंग नहीं हो पाता है अगर वो बाहर से लीकेज होता है, तो ये चीज़ भी आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। ये मेरा हो गया, अगर आपको ओरिजिनल पाइनएप्पल डालना है तो आप डाल सकते हो। केक की हाइट बढ़ानी है, हमेशा आप लोगों का एक मुझे सवाल रहता है मेरे पेज पे भी, लेकिन अभी वहाँ पे किसी का सवाल नहीं होता है। जो ट्रिक्स है वो मैंने वहाँ पे बताई है और ये हम क्लास में भी बताते हैं। अगर आपको आपके केक की हाइट बढ़ानी है तो आप क्या करोगे, वहाँ पे क्रीम ज़्यादा डालोगे? नहीं, आपका जो ऊपर वाला स्पॉन्ज था, देखो ये मेरा होममेड प्रीमिक्स है,
तो मेरा थोड़ा सा और बढ़ गया था, तो मैंने उसको ऊपर से काट दिया था। अभी ये जो ऊपर का स्पॉन्ज है इसको मैं कर दूंगी पलटी और इसको यहाँ पे रख दूंगी कि इसके वजह से इसका हाइट अभी बढ़ जाएगा। इसको मैंने सेंटर में रख दिया। पहले हम क्या करेंगे, ये जो गैप है बीच का, वो हम पहले भर देंगे। थोड़ा थोड़ा क्रीम लेंगे, लेफ्ट राइट करके ये क्रीम भर देंगे। इसका दो कारण है ये करने का, ठीक है। फर्स्ट कारण है, अगर आपका गनाश या आपका क्रश आपने ज़्यादा डाला और वो लीकेज हो रहा है तो वो वहीं पे लॉक हो जाता है। इसके वजह से आपका टर्निंग टेबल और आपका केक और आपकी क्रीम खराब नहीं होती है। दूसरा ये है, अगर ये करने से आपको एक ये पता चलता है कि आपके केक की हाइट कितनी आने वाली है, तो उसका भी एक आपको पता चल जाता है। ज़्यादा क्रीम नहीं ले रही हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा क्रीम लेके ही उसको कवर करने वाली हूँ। इसको क्रम्बिंग कोट बोलते हैं, मैंने इसको क्रम कर कोट किया है ताकि ये लीकेज ना हो, इसकी हाइट पता चले। अभी इसको फिर से हम क्या करेंगे, सोकिंग करेंगे। थैंक यू दीपी। तो यहाँ से हम फिर से क्रीम डालेंगे। क्रीम डालने का भी एक मेथड रहता है, आपने ऐसा स्पैचुला लग लिया और स्पॉन्ज के ऊपर लगाया तो जो स्पॉन्ज है वो इसको लग जाएगा, मतलब इसको जो क्रम लगेगा फिर वो इसमें जाएगा। नहीं, स्पैचुला में ऐसा बहुत सारा क्रीम लेना है और आपको सिर्फ टैप करना है, अभी क्या करेंगे, इसको शान करेंगे क्रीम को, लेफ्ट राइट करने से क्या होता है, बहुत प्यार से हाथ से आपको लेफ्ट राइट करना है ताकि वो हर तरफ स्प्रेड हो जाए। इसको फिनिशिंग नहीं किया हमने, फिनिशिंग इसको अभी हम देंगे। ओनली टर्निंग टेबल मूव करना है, हाथ को मूव नहीं करना है जिस पे आपने पैलेट नाइफ रखा है। ये देखो, इसको बोलते हैं परफेक्ट फिनिशिंग, या आपका आ जाता है क्लास में, मैं सब सिखाती हूँ, सबका हाथ पकड़ पकड़ के सिखाती हूँ। एक्स्ट्रा है उसको मैं साइड से कोट कर रही हूँ, ऊपर से जो एक्स्ट्रा है उसको मैं पैलेट नाइफ से अंदर की तरफ खींच के उसको मैं प्लेन कर दूंगी। इसके ऊपर हम डालेंगे क्रश। मिक्स फ्रूट करना है तो इसके ऊपर आप दूसरा फ्लेवर भी डाल सकते हो, तो आपका मिक्स फ्रूट का केक भी रेडी हो जाएगा। सबको लाइव समझ में आ रहा है क्या, प्लीज़ कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है मेरा फर्स्ट लाइव आपको, प्लीज़ कमेंट करके बताओ तो मुझे भी अच्छा लगेगा और सारे टिप्स मैं आपको बताती हूँ। लाइक दे दो अगर पसंद आ रहा है तो, प्लीज़ लाइक दे दो। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा क्रीम ले रही हूँ और इसको भी मैं क्रम्बिंग कोट कर रही हूँ थोड़े थोड़े क्रीम के साथ। थैंक यू मैम। देखो इसको भी मैं क्रम्बिंग कोट कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा क्रीम रह रही हूँ। आप देख रहे हो कि मैं क्रीम केक के लिए ज़्यादा नहीं यूज़ कर रही हूँ, मुझे खुद को नहीं अच्छा लगता है और मैं मेरे स्टूडेंट को भी बोलती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्ज दे दो कस्टमर को खाने के लिए, तो ही आपको बहुत सारा केक का ऑर्डर आएगा। ये देखो, ये मैंने कर दिया। पैलेट नाइफ आपको हमेशा क्लीन रखना है तो ही आपका केक का फिनिशिंग अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैं सो कर रही हूँ, ये हमारा थर्ड स्टेप है, इसके ऊपर हमारा क्रश नहीं जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। हाइट देखो, अभी मेरे केक की हाइट देखो अभी कितनी बड़ी है। अभी इसको ऊपर से कोटिंग भी करना है हमको, अच्छे से स्पॉन्ज को आपको सोक करना जरूरी है। टर्निंग टेबल हमेशा क्लीन रहना भी जरूरी है ताकि
सामने वाले जब भी देखे तो उसको अच्छा लगे, और अगर यहाँ पे आपका क्रम गिर गया होगा तो वो भी आपको क्लीन करना ज़रूरी है। आपका काम हमेशा अच्छा होना चाहिए। ये देखो मैंने इसको क्लीन कर दिया। अभी क्या करेंगे, मैं एक ऐसा दिखा रही हूँ कि यहाँ पे एक बाउल है उस पर हम मैगी खा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एक दूसरा कलर डार्क कलर से ही उसको कोटिंग कर देती हूँ। पिंक कलर ले रही हूँ क्योंकि उस दिन मैंने एक दूसरे पेज पे ग्लू लिया था, तो आज मैं पिंक लेती हूँ। बेबी पिंक कलर लिया है मैंने, जेल का बेबी पिंक कलर। थैंक यू मिताली मैम। पिंक कलर लिया है मैंने यहाँ पे, ये देखो। आपको डार्क वाला करना है आप डार्क वाला ले लो, आपको ब्राउन कलर डालना है, स्काई ब्लू कलर डालना है, आपके पास है नीचे वाला, आपको कौन से कलर में दिखाना है, ठीक है। और एक टिप्स देती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कलर मत डालो, कम से कम कलर डालो, और कोशिश करो कि आप कम कलर खाओ। और जेल कलर यूज़ करो, हमेशा जेल कलर यूज़ करो, कौन से भी कंपनी का आप ले लो जो आपके पास आपके वहाँ पे मिलता है। बेकर्स विला इज़ द बेस्ट, मैजिक कलर इज़ द बेस्ट, आप कौन सा भी ले लो उसके बारे में तो हम नहीं बोलेंगे, आप कौन सा भी ले लो। अभी देखो इसको कोटिंग कैसे करना है। जैसे मैं फर्स्ट टाइम बोल रही थी आपको कम से कम क्रीम लगानी, अभी मैं यहाँ पे बोल रही हूँ आपको ज़्यादा क्रीम लगाना है। अगर आपको जल्दी से उसका फिनिशिंग करना है तो जल्दी से आपको ज़्यादा क्रीम लगा के उसका एक्स्ट्रा क्रीम आपको निकालना है। वो कैसे निकालना है वो भी बताती हूँ। एक बार इसको यहाँ पे मैं लगा देती हूँ क्रीम। एक्स्ट्रा सब क्रीम मैं निकालने वाली हूँ, पहले तो मुझे एक रैंडमली क्रीम लगाना है, इसको पूरा केक मुझे कोटिंग करना है जल्दी से जल्दी। वो भी सब सारे टिप्स मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। मैम मैं ठाणे में रहती हूँ, बॉम्बे में रहती हूँ। आप कहीं से भी मेरा आपको कौन सा भी क्लास करना है आप ऑनलाइन लाइव कर सकते हो, उसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलता है, एक या दो महीने आप उसको देख सकते हो। जल्दी से फिनिशिंग करने के लिए क्या लगता है वो आपको दिखाते हैं। ये है प्लास्टिक का स्क्रैपर, थैंक यू ज्योति मैम। ये है प्लास्टिक का स्क्रैपर, इसको सिर्फ आपको यहाँ पे रखना है और ओनली टर्निंग टेबल मूव करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो एक्स्ट्रा है जो हम एक्स्ट्रा निकालेंगे उसको क्लीन करते जाना है, स्क्रैपर आपको क्लीन करते जाना है ताकि एक जल्दी से स्मूथ वाला फिनिशिंग आ जाए। फिर से हम करेंगे इसको, जो एक्स्ट्रा ऊपर से निकला है वो हम क्लीन करेंगे, उसको अंदर के साइड से खींच के उसको प्लेन कर देंगे। यहाँ पे ऊपर ज़्यादा फिनिशिंग नहीं करोगे तो भी चलेगा क्योंकि मैगी केक बनाने वाले, ऊपर हम सब नूडल्स बनाने वाले हैं।
अच्छे तरह से क्रीम बीट करो मैम तो आपका बबल नहीं आएगा। 10 या 15 मिनट लग जाता है मिनिमम क्रीम अच्छे से बीट करने के लिए, उसके पहले कभी भी क्रीम बीट नहीं होती अच्छे से। अभी मुझे येलो कलर बनाना है तो मैं येलो कलर लेती हूँ। यहाँ पे मैं 2 शेड लेने वाली हूँ, एक है लेमन येलो कलर और दूसरा है एग येलो कलर। लेमन येलो डाल दिया मैंने, अभी एग येलो डाल रही हूँ और जो मैगी का परफेक्ट कलर होता है वो रेडी कर रही हूँ। ये देखो मैगी का एक परफेक्ट, नहीं मैंने यहाँ पे प्रीमिक्स लिया था 250 ग्राम, ये मेरा हाफ के जी का केक है तो मैंने 250 ग्राम प्रीमिक्स लिया था। यहाँ पे मैंने लेमन येलो कलर डाला और एक येलो कलर डाला, उससे मैंने मैगी का कलर बना दिया। यहाँ पे मैं पाइपिंग बैग ले रही हूँ, वहाँ पे मैंने 0 नंबर का नोजल डाला है जिसमें सिर्फ एक होल रहता है, ये देखो नाम डालने के लिए, वो मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया है। इसको मैंने नीचे से काट दिया है और इसके अंदर में ये क्रीम डालने वाली हूँ। पाइपिंग बैग के अंदर की हवा मतलब एयर हमें निकाल के लेना है। यहाँ पे मुझे लेना है, ये दिखाना है मुझे कि मैगी स्पून के नीचे से गिर रही है, तो यहाँ पे मैंने जो आइसक्रीम का रहता है स्टिक वो मैंने एक के ऊपर एक चिपकाए, मतलब 2 चिपकाए हैं, और यहाँ पे मैंने रबर लगा दिए। जहाँ पे भी आपको उसको दिखाना है वहाँ पे उसको आप रख दो। ठीक है, यहाँ पे मैंने रख दिया। अभी क्या करना है, हमें कस्टमर को ये नहीं दिखाना है कि हमने क्या रखा था एंटी ग्रेविटी करने के लिए, वो चीज़ आपको छुपाना होता है हमेशा। तो आपको यहाँ से जैसे कि हम नूडल्स निकालते हैं वैसे आपको नूडल्स निकालना है। ये देखो ये पूरा आपको ढक के लेना है, ये जो आइसक्रीम की काटी है ना वो आपको ढक के लेना है। जो नाम डालते हैं वो नोजर लिया है 0 नंबर का। ओके, वो तो मैंने अभी ढक के लिया अंदर से ही क्रीम से, अभी किसी को पता ना चले कि हमने उसको स्पून कैसे लगाया था। अभी क्या करेंगे, ऐसे रैंडमली हम दिखाएंगे कि ये नीचे गिर रहा है। बीटर हमेशा 300 वॉट का ले लो, कौन सा भी कंपनी का ले लो, लेकिन 300 वॉट का ले लो ताकि वो आपका
लाइफ टाइम के लिए हो जाए, उसके कम का लोगे तो क्रीम अच्छे से बीट नहीं हो पाएगी। ये देखो रैंडमली मैंने यहाँ पे नूडल्स मतलब मैगी निकाली है। इसके लिए आपको कौन सा यहाँ पे ज़्यादा नोजर की और डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं है, ये केक कोई भी बना सकता है। अगर आपको टेक्निक पता चले तो आप ये केक बना सकते हो। अभी आगे का जल्दी से मैं आपको बताती हूँ, हमारे 4 बजने वाले हैं। अभी मुझे यहाँ पर आपको एक दिखाना है, रेड कलर ले रही हूँ मैं, उसमें मैं थोड़ा सा व्हाइट क्रीम डाल रही हूँ। आप ये जेल या फॉन्डेंट भी लगा सकते हो। कैरोट्स दिखाना है, मैंने आटा नूडल्स मैगी बनाया है, ठीक है, आटा नूडल्स मैगी। मैं यहाँ पे कैरोट्स दिखा रही हूँ छोटा छोटा, तो और एक अच्छा लुक आ जाए। इसमें ग्रीन कलर, ग्रीन जेल कलर, इसमें ग्रीन जेल कलर डाल, ये ग्रीन कलर। बोले एक्चुअली है, थोड़ा सा ग्रीन कलर डाल, थोड़ा सा क्रीम डाल, ग्रीन कलर की क्रीम बना। ये मैं कैरोट्स कर रही हूँ, अगर आपके पास टाइम होगा तो आप फॉन्डेंट से भी कर सकते हो। फॉन्डेंट से दिखाओ और अच्छा लगता है, मैं करना भूल गई इसलिए मैं क्रीम से दिखा रही हूँ आपको, रेड कलर से। कहाँ भी करो, कहाँ भी दिखाओ, ऐसा कुछ नहीं जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको करना है। जल्दी जल्दी बनाओ, ओके, बस देख ग्रीन कलर। जेल कलर लिया है मैंने ग्रीन, यहाँ पे मुझे ग्रीन पीस दिखाना है, मराठी में उसको हिरवा वटाना बोलते हैं। एक पाइपिंग बैग दे दो, देख यहाँ पे मैं यूनिक डिज़ाइन, थैंक यू करूल,
यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ ओटीजी कौन सा है, मॉफी रिचर्ड का ओटीजी। अगर आप होम बेकर हो तो आपको वही लेना चाहिए, वो अच्छा है। यहाँ पे देखो मैं ग्रीन पीस दिखा रही हूँ, सिर्फ प्रेस कर रही हूँ तो ऐसा सर्कल में आ जाता है, या जीरो नंबर नोजल में ये रख के भी कर सकते हो। मैंने नहीं लिया है, मैंने डायरेक्टली मैं इसको निकाल रही हूँ ग्रीन पीस। ज़्यादा पीछे काम ना करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि पीक तो हमारा आगे से ही आने वाला है। ये देखो अपना मैगी की, आप ये 800 हाफ के जी, 900 हाफ के जी में सेल कर सकते हो, या आपके ऊपर है आपको इसको कितने में सेल करना है, आप कौन से एरिया में रहते हो वहाँ पे कितने प्राइस को केक जाता है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो आपका एरिया वाइज आपका केक का एक प्राइस मेंशन होता है, तो भी मैं बोल रही हूँ उसको 800 या 900 हाफ के जी में आप बेच सकते हो, बिकॉज ये क्रिएटिव है, ये आपको शॉप में नहीं मिलेगी, ये आपको सिर्फ ये आप ही बना सकते हो, ओनली होम बेकर बना सकता है। मॉफी रिचर्ड का ले लो। तो यहाँ पे मेरा ये मैगी केक देखो रेडी हो गया है। कैसा लग रहा है आपको ये स्पून के साथ मैगी केक, लग रहा है कि नहीं कि ओरिजिनल? यही मुझे आपको लाइव दिखाना था, तो थैंक यू सो मच आप यहाँ पे लाइव आए। आपका जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप था वो आपने मुझे दिया, ये मेरा फर्स्ट लाइव था ये पेज पे, तो थैंक यू सो मच खाद्य खुराक न्यूज चैनल, उन्होंने यहाँ पे मुझे एक छोटा सा मौका दिया था लाइव आने के लिए। और मैं ये होप रखती हूँ कि शायद आपको मेरा लाइव पसंद आया हो, मैं जैसे सिखाती हूँ, जैसे कि मैं यहाँ सिखाती हूँ वैसे ही मैं मेरे पेज या मेरे क्लास में भी सिखाती हूँ। ज़्यादा स्ट्रिक्टली वाला क्लास मेरा होता नहीं है, तो जिनको जिनको क्लास ज्वाइन करना है वो मुझे कर सकते हो। और प्लीज़ आप ये ट्राई करो, ये डिज़ाइन ट्राई करो, और प्लीज़ आप मुझे शेयर करो, जो मैंने नंबर दिया है वहाँ पर मुझे आप शेयर करो। मैं आपको मेरा प्रीमिक्स वाला जो हमने बनाने के लिए रखा था वो आपको मैं दिखाती हूँ निकाल के। गरम है तो मैं इसको बाहर नहीं निकाल सकती, ये देखो ये होममेड प्रीमिक्स है, मैंने अभी आपको दिखाया था ये वही था, अभी ये बहुत गरम है, ये देखो कितना स्पॉन्ज है देखो, तो ये उसका था। तो यहाँ पे मेरा लाइव अभी 4 बजे बराबर ख़त्म हो रहा है। मैंने कुछ ज़्यादा जल्दी से नहीं सिखाया, सब धीरे धीरे ही सिखाया था, और कहीं गलती हो गई तो आपकी समझ के माफ़ कर देना। तो ये आज का हमारा एंटी ग्रेविटी केक कंप्लीट हो चुका है, तो अभी का मैं मेरा लाइव ख़त्म कर रही हूँ, और मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पे फिर से लाइव आना पसंद करूँगी। और यहाँ पे मैं आपको स्टार्टर का रेसिपी बताने वाली हूँ, जो कि मेरा स्टार्टर क्लासेस है, उसके मैं दो रेसिपी है, अगर मुझे मौका मिला फिर से लाइव आने का तो मैं आपको ज़रूर दो स्टार्टर की रेसिपी यहाँ पे ज़रूर बताऊँगी। तो यहाँ पे मेरा लाइव अभी ख़त्म होता है, थैंक यू सो मच लाइव आने के लिए।